12 दिसंबर पिछले 24 घंटा में उड़ीसा में सभी जगह में ड्राई वेदर था। सुंदरगढ़, कोरापुट, कंधमाल जिला का जिला में एक दो जगह करके मॉडरेट फॉग रिपोर्ट हुआ है। मिनिमम टेम्परेचर आज सुबह लोअर साइड जो था केवनझरगढ़ में 9.4 डिग्री सेल्सियस, हमारा एग्रीकल्चर फील्ड यूनिट जीवदायगिरी में था 7.2 डिग्री सेल्सियस, हिल स्टेशन है दारिंगबाड़ी 9.5 डिग्री सेल्सियस, ये भी हिल स्टेशन है, फुलवानी 10.0 डिग्री सेल्सियस, ओंगुल में 10.6 डिग्री सेल्सियस, कोरापुट 11.2 डिग्री सेल्सियस। अभी हमारा भुवनेश्वर सिटी में था 14.6 डिग्री सेल्सियस, ये स्वाभाविक से 1.4 डिग्री कम था। कोस्टल एरिया में मोस्टली 14 टू 17 इस रेंज में टेम्परेचर था, बालासोर में केवल 11.3 डिग्री सेल्सियस था। इंटीरियर विशाखा डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तानों पर मिली 11 टू 15 इस रेंज में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में टेम्परेचर था। अभी मिनिमम टेम्परेचर और नाइट टेम्परेचर उड़ीसा में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में स्वाभाविक रेंज में है, एक दो जगह करके स्वाभाविक से 2 से 3 डिग्री तक कम है। फोरकास्ट अभी हमारा जो है अगला 7 दिन का, अगला 7 दिन ही सभी जगह में उड़ीसा में ड्राई वेदर रहेगा और शाले टू मॉडरेट फॉग एक दो जगह करके हो सकता है इंटीरियर विशाखा डिस्ट्रिक्ट में, मेनली कोरापुट, कंधमाल, कालाहंडी, सुंदरगढ़ ये सब डिस्ट्रिक्ट में। और मिनिमम टेम्परेचर व नाइट टेम्परेचर जो है सिग्निफिकेंट चेंजेस अगला 4-5 दिन में होने का चांसेस नहीं है, सीजनल चेंजेस जो है एक प्लस माइनस 1-2 डिग्री का अंदर ही रहेगा, तो स्वाभाविक रेंज में रहने का चांसेस है। भुवनेश्वर सिटी में जो है मेनली क्लियर स्काई रहेगा और कल मिनिमम टेम्परेचर भुवनेश्वर सिटी में 14 का आसपास रहने का चांसेस है, आज मैक्सिमम 27 का आसपास रहने का चांसेस है।